तो सबसे पहले यहाँ पे आप स्क्रीन पे लाइव प्रूफ देख लो, IBL फाइनेंस के द्वारा हमें 50,000 रुपए का इंस्टेंट पर्सनल लोन दिया जा रहा है और ये जो पैसे हैं 15 मिनट के अंदर हम अपने बैंक अकाउंट में ट्रांसफर कर सकते हैं। तो क्या हालचाल दोस्तों, अगर आपको भी पैसे की रिक्वायरमेंट है और यहाँ पे आप लोन लेना चाहते हो तो बहुत ही बेहतरीन वीडियो पे आपने क्लिक किया है। अब देखो इस वीडियो के अंदर मैं आपको IBL फाइनेंस से कैसे लोन लेते हैं इसके बारे में कंप्लीट इंफॉर्मेशन देने वाला हूँ। अब देखो IBL फाइनेंस के बारे में बात करें, ये एक NBFC कंपनी है जो कि आपको पर्सनल लोन प्रोवाइड करती है और यहाँ पे मैं आपको लोन अप्लाई करने से लेके पैसे बैंक अकाउंट में ट्रांसफर तक का पूरा प्रोसीजर इस वीडियो के अंदर बताने वाला हूँ। तो चलिए फटाफट से इस वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। तो देखिए IBL फाइनेंस से पर्सनल लोन अप्लाई करने के लिए आपको हमारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एप्लीकेशन का लिंक मिलेगा, एक बार आप क्लिक करेंगे और यहाँ पे एप्लीकेशन को सबसे पहले अपने फोन के अंदर इंस्टॉल कर लेंगे। जैसे ही एप्लीकेशन यहाँ पे इंस्टॉल हो जाता है सिंपली आप इसे यहाँ से ओपन करेंगे। ओपन करेंगे कुछ परमिशंस आपसे मांगी जाती है, परमिशंस को आपको अलाउ करना है और जैसे ही परमिशंस अलाउ करेंगे पहले स्टेप के अंदर ही आपसे ये पूछा जाता है कि कौन से भाषा में आप लोन के लिए अप्लाई करना चाहते हो। इंग्लिश यहाँ पे हम सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद आपको नीचे गेट स्टार्ट पे क्लिक करना है। जैसे ही क्लिक करते हो उससे पहले आपको ये भी बता दिया जाता है कि कौन कौन से स्टेट के अंदर हम लोन प्रोवाइड करते हैं, तो वो सब आप देख लेना। और उसके बाद लोन के लिए यहाँ पे आपको क्या क्या देने होंगे इसके बारे में बताया गया है। तो पैन कार्ड, आधार कार्ड जो आपके मोबाइल नंबर से लिंक हो और बैंक अकाउंट जिसमें आपको पैसे चाहिए, बस तीन ही डॉक्यूमेंट आपको देने होते हैं, इसके अलावा कुछ भी देना नहीं होता है। सिंपली आप नेक्स्ट करेंगे। तीन स्टेप्स के अंदर लोन अप्लाई होगा। पहले में आपको इंस्टेंट अप्रूवल मिलेगा, दूसरे स्टेप के अंदर आपका आधार वेरिफिकेशन होगा और तीसरे स्टेप के अंदर पैसे आपके बैंक अकाउंट में क्रेडिट कर दिए जाएंगे। तो यहाँ पे हम नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। अब देखिए प्रोसेस स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले ये एप्लीकेशन आपसे लोकेशन, कैमरा, ये सबकी परमिशंस लेती है। टर्म्स एंड कंडीशन को यहाँ पे एक्सेप्ट करके आप यहाँ पे आई एग्री एंड कंटिन्यू वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देंगे। अब जैसे ही आप क्लिक करते हैं पहले स्टेप के अंदर ही यहाँ पे आपसे आपका 10 डिजिट का मोबाइल नंबर पूछा जाता है, तो अपना मोबाइल नंबर यहाँ पे आपको फिल करके कंटिन्यू करना है। आपके मोबाइल नंबर पे एक OTP आएगा, OTP वेरिफिकेशन करके यहाँ पे अपना मोबाइल वेरीफाई कर लेंगे। जैसे ही मोबाइल नंबर डाल के नेक्स्ट करते हैं अगले स्टेप के अंदर यहाँ पे आपसे आपका एरिया पिन कोड पूछा जाता है, तो अपना एरिया पिन कोड आपको यहाँ पे फिल करना है, उसके बाद यहाँ पे आपको कंटिन्यू कर देना है। तो अब ये जो एप्लीकेशन है आपके नंबर पे एक OTP सेंड करता है, तो अपना OTP यहाँ पे आप वेरीफाई करेंगे। आप देख सकते हैं कि यहां से आपको 50,000 रुपए तक का लोन दिया जाएगा जो कि 15 मिनट के अंदर आपका ये एप्लीकेशन कंप्लीट हो जाएगा और 24 घंटे के अंदर पैसे भी आपके बैंक अकाउंट में आ जाएंगे। अब इसमें कितनी सच्चाई है ये तो हम आगे देख पाएंगे। तो सिंपली आप अप्लाई नाउ पे क्लिक करेंगे। जैसे ही अप्लाई नाउ पे क्लिक करते हैं पहले स्टेप के अंदर ये लोग आपसे आपका पैन नंबर पूछते हैं, तो अपना पैन नंबर यहाँ पे आप फिल करेंगे और नीचे कंटिन्यू वाले ऑप्शन पे आपको क्लिक कर देना है। पहली स्टेप कंप्लीट फिल करने के बाद दूसरे स्टेप के अंदर यहाँ पे आपका डेट ऑफ बर्थ आपसे पूछा जाता है, तो आपकी जन्म की तारीख जो भी है DDMMYY के फॉर्मेट में फिल करेंगे। जेंडर में आप मेल है या फिर फीमेल है इसको बताना है। पढ़ाई लिखाई आपने कहाँ तक किया है, बिलो 10वीं है या फिर ग्रेजुएट, डिप्लोमा, मास्टर्स जो भी होंगे आप सेलेक्ट करेंगे। और टेंशन नहीं लेना है क्योंकि ये लोग आपसे पढ़ाई वगैरह का सर्टिफिकेट नहीं मांगते हैं, जो भी सेलेक्ट करना है कर सकते हो। इनकम सोर्स में आप लोग ये पूछते हैं कि जॉब करते हो या फिर बिजनेस करते हो, जो भी आपका होगा आप वो सेलेक्ट करेंगे। यहाँ पे हम बिजनेस सेलेक्ट करते हैं। आपकी मंथली इनकम कितनी है वो यहाँ पे आपको बताना होता है और उसके नीचे यहाँ पे आपसे आपका ये ईमेल आईडी पूछते हैं, तो अपना ईमेल आईडी आप सेलेक्ट कर लेना और वेरीफाई पिन एंड कंटिन्यू वाले ऑप्शन पे आपको क्लिक कर देना है। अब देखो जैसे ही आप ये स्टेप कंप्लीट कर लेते हैं यहाँ पे आपके सामने कॉन्ग्रेचुलेशन का पेज आ चुका है और बताया जा रहा है यहाँ पे आप 50,000 रुपए के लोन के लिए इलिजिबल हैं। तो यहाँ पे आप इलिजिबिलिटी चेक करेंगे और सिंपली आप नीचे कंटिन्यू वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। जैसे ही आप कंटिन्यू वाले ऑप्शन पे क्लिक करते हैं अब आपको यहाँ पे अपना रेसिडेंशियल एड्रेस फिल करना है। तो रेसिडेंशियल एड्रेस के अंदर सबसे पहले आपको अपनी डॉक्यूमेंट अपलोड करनी है, तो यहाँ पे आप जो भी चाहते हैं वो डॉक्यूमेंट दे सकते हैं, जैसे कि आधार कार्ड। आधार कार्ड अगर आप सेलेक्ट करते हैं तो आधार कार्ड की फ्रंट साइड की फोटो, बैक साइड की फोटो यहाँ पे आपको अपलोड करना होगा और नीचे यहाँ पे आपको अपना कंप्लीट एड्रेस फिल करना है सिटी और पिन कोड के साथ। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ पे आप फिल करेंगे और उसके बाद आप वेरीफाइड डिटेल्स एंड सबमिट वाले आइकन पे क्लिक कर देंगे। अब देखिए एक बार जैसे ही अपनी आधार कार्ड की फोटोग्राफ्स आप अपलोड करके नेक्स्ट करते हैं तो यहाँ पे आधार EKYC डिटेल्स खुल जाती है और यहाँ पे आपके आधार कार्ड में जो आपका नाम, डेट ऑफ बर्थ, सिटी, एड्रेस ये सब आपको देखने को मिल जाते हैं। अगर आप अपने इसी आधार कार्ड के एड्रेस पे रहते हैं तो सिंपली आप यस कर सकते हैं। और मान लीजिए अगर आपके ये जो आधार कार्ड का एड्रेस है आप किसी दूसरे एड्रेस पे शिफ्ट हो चुके हैं और पहले से आपके आधार कार्ड में ये एड्रेस है तो यहाँ पे आप नो करके जो भी नया एड्रेस है उसे यहाँ पे आप फिल करके वेरीफाई एंड कंटिन्यू वाले ऑप्शन पे आपको क्लिक
कर देना है। अगली स्टेप के अंदर यहाँ पे आपसे एडिशनल कॉन्टैक्ट डिटेल्स मांगी जा रही है, जिसमें आपको अपना रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर यहाँ पे आ जाएगा। अल्टरनेट कॉन्टैक्ट नंबर में आपको कोई दूसरा नंबर अपना दे देना है और रेफरेंस डिटेल्स के अंदर यहाँ पे अपने फ्रेंड या फिर किसी फैमिली का नेम इंटर करना है और उनका यहाँ पे मोबाइल नंबर देना है। अगर आप रेफरेंस में जिनका भी नंबर देते हैं, IBL फाइनेंस अगर आप इन फ्यूचर लोन वापस नहीं करते हैं या फिर लोन के रिगार्डिंग कोई भी इन्फॉर्मेशन वगैरह होता है तो इस पे कॉल कर सकती है। तो ये चीज आप समझ सकते हैं और उसके बाद यहाँ से आप कंटिन्यू कर देंगे। एक बार जैसे ही हम सारे स्टेप्स को कंप्लीट कर देते हैं, फाइनल एक लोन अमाउंट सेंसन होता है जो हमें दिखाया जाता है। तो 50,000 मैक्सिमम लोन था, लेकिन सारे इन्फॉर्मेशन को डालने के बाद यहाँ पे हमें 9,700 का लोन अप्रूव हुआ है। आप देख सकते हैं 9,700 रुपए का लोन मिल रहा है और इस लोन की जो EMI अमाउंट होगी 3,718 रुपए हमें 3 महीने तक देनी होगी और यहाँ पे 9,700 के लोन के ऊपर 1,144 रुपए हमें प्रोसेसिंग फी देना पड़ रहा है। तो यहाँ पे ये सब आप देख सकते हो सब कुछ और उसके बाद आप नीचे कंटिन्यू वाले ऑप्शन पे क्लिक कर दोगे। तो जैसे ही यहाँ पे आपकी लोन की एलिजिबिलिटी चेक हो जाती है, आपको फाइनल अमाउंट मिल जाता है, उसके बाद आपको प्रोसीड टू बैंक वेरिफिकेशन पे क्लिक करना है। एक बार जैसे ही आप बैंक वेरिफिकेशन कंप्लीट करते हैं, अगले स्टेप के अंदर यहाँ पे आपको अपनी बैंक डिटेल फिल करनी है, जैसे कि बैंक का नाम, IFSC कोड, अकाउंट नंबर, अकाउंट टाइप, ये सब आपसे पूछा जाता है। अगर आपने ये फिल कर लिया है तो आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस आएगा, यहाँ पे आपकी बैंक डिटेल दिखाई जाएगी। अब आपको ई मैंडेट सेटअप करना है। बेसिकली ई मैंडेट होता क्या है कि ये जो एप्लीकेशन आपको लोन प्रोवाइड करेगा, इसका जो EMI है वो आपके अकाउंट से ऑटोमेटिकली काट लिए जाएंगे। इसके लिए ई मैंडेट करना होता है, तो सिंपली आप सेटअप ई मैंडेट पे क्लिक करेंगे। तो जैसे ही आप नेक्स्ट पे क्लिक करते हैं, यहाँ पे आपका EMI अमाउंट आ चुका है, आपका बैंक डिटेल आ चुका है। आप ई मैंडेट क्या चीज से करने वाले हैं, डेबिट कार्ड या फिर नेट बैंकिंग, वो आपको सेलेक्ट करना है। यहाँ पे जो आप बैंक डिटेल दिए होंगे उसी बैंक का नेट बैंकिंग या फिर ATM कार्ड आपके पास होना चाहिए। तो सिंपली टर्म्स एंड कंडीशन को एक्सेप्ट करके आप नीचे सबमिट वाले आइकन पे क्लिक कर देंगे। तो एक बार अपनी ई मैंडेट कंप्लीट करने के बाद आपके सामने एप्लीकेशन अंडर प्रोसेस का ऐसा ऑप्शन आ जाएगा। अब देखो, ई मैंडेट जैसे ही आप डेबिट कार्ड या फिर नेट बैंकिंग सेलेक्ट करते हो, अगर आप ATM कार्ड सेलेक्ट करते हो तो आपके कार्ड के ऊपर जो भी नंबर प्रिंट होता है वो नंबर एक्सपायरी डेट CV भेजता है, आपके ATM कार्ड से जुड़े नंबर पे एक OTP भेजता है और यहाँ पे आप OTP को वेरीफाई करेंगे, आपके अकाउंट से 1 रुपए डिटेक्ट होते हैं और यहाँ पे आपके ई मैंडेट कंप्लीट हो जाते हैं। अगर आप नेट बैंकिंग के थ्रू करना चाहते हो तो नेट बैंकिंग का यूजर ID पासवर्ड आप सेलेक्ट करेंगे, आपके नंबर पे SMS भेजा जाता है और यहाँ पे आपका ई मैंडेट कंप्लीट हो जाता है। तो बहुत ही सिंपल है ई मैंडेट करना। ई मैंडेट कंप्लीट हो जाता है, आपके सामने यहाँ पे देख सकते हो लोन अमाउंट हमारा अंडर प्रोसेस में चला गया है और यहाँ पे 24 से 48 घंटे के अंदर ये जो पैसे हैं आपके बैंक अकाउंट में क्रेडिट कर दिए जाएंगे। तो दोस्तों, IBL फाइनेंस से कैसे लोन अप्लाई करना है, इस वीडियो के माध्यम से हमने आपको कंप्लीट इन्फॉर्मेशन दे दिया है। हमें उम्मीद है कि हमारा ये वीडियो आपको बहुत ही पसंद आया होगा। अगर आपको अभी कोई डाउट या फिर कंफ्यूजन बच चुका है तो आप इस वीडियो के नीचे हमें कमेंट कर सकते हैं। इस वीडियो को हम यहीं पे खत्म करते हैं, मिलते हैं किसी इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। टेक केयर, हैव अ गुड डे।